हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंदिनीज किचन। आज हम बना रहे हैं एक सुपर फूड से सुपर टेस्टी और हेल्दी सी पुडिंग। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। आज हमने बनाई है एकदम हेल्दी और टेस्टी चिया सीड पुडिंग, जो अभी गर्मियों में ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो इन गर्मियों में आप भी इसे बनाएं, बहुत फटाफट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंगो चिया पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिया सीड्स, ये द फूड फॉक्स के चिया सीड्स हैं। और उसके साथ ही मैंने लिया है ये आधा लीटर जितना दूध, ये फुल फैट मिल्क है। फिर ये है आधा कप जितने साबूदाना, ये साबूदाना भीगे हुए हैं इस तरह से एकदम सॉफ्ट है। और उसके साथ ही मैंने लिया है 1/4 कप जितनी शक्कर, ये टेबलस्पून में लेंगे तो 3 टेबलस्पून जितनी है। और 1 कप जितनी मैंगो प्यूरी, ये सिर्फ मैंने आम को छील के कट करके और उसका पेस्ट बनाया है। और ये 1 कप जितने मैंगो के पीसेस। और गार्निशिंग करने के लिए हम लेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ता, थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए काजू। यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है आधा कप पानी, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून जितने चिया सीड्स। ये बहुत ही बढ़िया है, एकदम हेल्दी। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, जिससे ये फूल जाएंगे बहुत ही अच्छे से। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया कैल्शियम और प्रोटीन होता है। इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ जिससे ये बिल्कुल बढ़िया ठंडे रहेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ दूध और हम इसे उबलने देंगे। दूध में उबाल आने लग गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये भीगे हुए साबूदाने और हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते हैं। 20 मिनट में इसमें ये इतना थिक हो गया है और ये साबूदाना भी एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। पुडिंग के लिए ये साबूदाना बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे एक बाउल में डाल के ठंडा करके और फिर फ्रिज में रख दूंगी। ये हमारी साबूदाना वाला जो हमने बना के रखा था, ये बिल्कुल इस तरह से एकदम थिक हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर। इसमें मैंगो के साथ में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसकी जगह पे वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं या आपकी पसंद का कोई और एसेंस भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिया सीड्स। इसे हमें मिक्स करना है। अब मैं इसमें ये सारे चिया सीड्स ऐड कर दूंगी। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने ली है ये 2 सर्विंग ग्लास, इसमें मैं सर्व करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1-1 चम्मच जितना ये साबूदाना और चिया का मिक्सचर। इसे हमें इस तरह से लेवल कर देना है बिल्कुल बराबर। इस पर मैं ऐड करूंगी मैंगो पल्प। इसकी भी हमें अच्छे से लेयर बना देनी है। फिर मैं इसमें वापस ऐड कर रही हूँ साबूदाना और चिया वाला। अब मैं इसमें वापस डाल रही हूँ मैंगो पल्प। अब मैं इस पर डालूंगी मैंगो के पीसेस। अगर आप इससे भी बड़ी वाली ग्लास ले रहे हैं तो आप इसमें बीच बीच में भी मैंगो के पीसेस डाल सकते हैं। इस पर मैं डालूंगी कटे हुए पिस्ता, कटे हुए काजू और कटी हुई बादाम। इसके साथ ही मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चिया सीड्स, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं।
अब मैं इसमें टॉप पर लगा रही हूँ एक एक चेरी। ये हमारी मैंगो चिया पुडिंग बिल्कुल बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया लग रही है। हेल्दी होने के साथ साथ में ये बहुत टेस्टी भी है, तो आप भी इसे अभी इन गर्मियों में जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।